बसंती जैसे जबरदस्ती किसने की? गाइस देखो ये वही एरिया है जहाँ पे धर्मेंद्र को बांधा था और बसंती कुत्तों के सामने नाची थी और ये रहे वो कुत्ते। वे देखो कुत्ते देख लो। गाइस हम आ गए यहाँ पे, मम्मी मैं आ गया। यार वहां जाके तो हमारा कट गया। बसंती हमारे पास एक बिठाएगा कहाँ है? सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं भाइयों, कहाँ जा रहे हैं फाइनल बताओ। मेरे को नहीं पता, मैं नहीं पता। दो से पैसे दो कर। हाँ भाई कुछ तो दो यार, संजय बन जाना है या फिर ओखला वर्ल्ड सेंचुरी, फाइनल बताओ यार निकलने है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और इनको भी तो बताना ही है। संजय बन देख भाई, संजय बन देख भाई, तेरे भाई कार्तिक भाई वापस आ गए हैं ऑलरेडी, तो ओखला वर्ल्ड सेंचुरी चलते हैं। ओखला वर्ल्ड सेंचुरी भाई, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी भाई, आज हम जा रहे हैं ओखला वर्ल्ड सेंचुरी। टाइम हो रहा है सुबह के 6:45, हम में से कोई भी नहीं सोया और सीधा हम निकल रहे हैं ओखला वर्ल्ड सेंचुरी के लिए। और ये भाई मैं नहीं सोया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया। सॉरी भाई मैं नहीं सोया था, सिर्फ चार हाथी लगे चल रहे हैं। ये इसका जोक ना हर बार नहीं चलेगा। सुबह जल्दी उठा दिया इसने और अभी चल के राजी नहीं हो रहा। हम सारे अब निकल चुके अपनी जगह से, घर ने हमारे घर रिवील कर दिए यहाँ पे, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम फेमस नहीं हुए तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। गार्ड ही नहीं घुसने देगा तुम्हें, मिलने आओ तो हम बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉल नंबर तुम्हें पता ही है, मैं कभी नहीं बताऊँगा। जो जो भाई मीटअप के लिए 500 रुपये देगा उससे मिल लिया करेगा भाई। देखो आगे यूट्यूब से कितना ही कमा लेंगे। देख मैं एक बंदा और जोड़ लिया इसने आज, कितना कितना का दें बताओ। इसलिए कट कर दे रहा, जितना मर्जी पीछे रह जाएं ये हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि कहाँ से शूट करेंगे, कैमरा ही मेरे पास है, कहाँ से शूट करेंगे। अगर शूट करेंगे तो बढ़िया नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर रहा। अरे तो क्या बढ़िया लुक आ रही है भाई। मैं कहा था ना सबके सब वेट करेंगे, कैमरा हमारे पास है, यही फायदा होता है। एक तो देखो बैक रेस्ट वाली सीट मिल गई, कैमरा है तो सब जगह रुक के चलते हैं अगर हमें रुकना है तो। फायदे तो हैं, बस ये शूट करना पड़ता है। एक वीडियो भी रख लो, तो मैं कहता हूँ ब्लॉग के लिए अपने हैं कमेंट कर दो। ये कौन सा कमेंट होता है भाई? रास्ता कावड़ों के लिए बंद है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। ये प्रूफ तक हम लोग आए हैं तुम्हारे लिए। हाँ हम पूरी रिसर्च करके नहीं चलते भाई जगह जगह, ठीक है यार। कितना बढ़िया आ रहा है यार, वो फिल्टर लग गया है तो स्नैपचैट चलो फिल्टर। अब हम जा रहे हैं बढ़िया जगह जो हमारे मतलब चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है, हम उस जगह पे जा रहे हैं। यार वहाँ जाके तो हमारा कट गया ओखला बर्ड सेंचुरी, बिना रिसर्च करे आ गए हम। और फिर अब तो हम आ गए संजय वन, आपने शायद पहले हमारा एक ब्लॉग यहाँ पे देखा होगा। अब इसको थोड़ा और बेटर करने आए हैं यहाँ पे, और
पिछली बार याद है ये चौकीदार वन के नीचे खड़ा रहा था जब हम साइकिल ऊपर नहीं ले जा पाए थे तो इसको रुकवाया था नीचे, ये साइकिलों के ध्यान रख रहा था, आज चले गए पूरा आगे तक। हाँ भाई मुझे भी याद है, तुम्हें अगर याद है तो बताओ। हमारा वहाँ पे जाके भाई इतना गंदा कटा है, हम सुबह सुबह चले गए बट वहाँ कांवड़ यात्रा के चक्कर में बंद था रास्ता, तो हम लोग ने घुमा ली। और प्रॉब्लम ये है कि गूगल पे या कहीं पे भी ना कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, अगर हमारे को पहले से पता होता तो हम यहीं का पहले प्लान करते, हम अलग से 30 किलोमीटर और घूम के ना जाते, हमारी भी मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ, मेहनत भी वेस्ट हुई, पेट्रोल भाई उसके पैसे लगते हैं, पेट्रोल भी वेस्ट हुआ यार। ऑन तो एंड, हाँ सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अबे हेल्प क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बढ़िया करेगा तो भाई। तो गाइस मैं पहली बार आया हूँ इनके व्लॉग में, आप देखो यहाँ पे बस घुमा देना, ये शक्ल दिखा। तो गाइस ये देखो यहाँ पे एकदम सुनसान है, यहाँ पे देखो हम 1, 2, 3, 4 और मैं 5, हम बस 5 ही घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं दिख रहा, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है, देखते हैं भेड़िया वेड़िया मिलता है तो। आओ ये चिड़ियों की चहक चहक तो ही मेरे घर के पास भी आती है, मुझे नहीं पता हम 5:30 बजे उठ के यहाँ पे क्यों आए हैं, ये वहाँ पे भी सुन सकते थे। वैसे भाई हमारे घर के पास जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है वो भी ऐसा सही लगता है मेरे को, तो बस थोड़े पेड़ ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा सही है जो जॉगिंग वाले एरिया, अभी पता नहीं कोई ट्रैक बता रहे हैं छोटा सा। और यहाँ पे अबे जीन्स तो बहुत कंफर्टेबल होती है भाई, तेरे को पता नहीं है, बस भाग ही रहा यार, कुछ हरकत करो सालो। भाग के दिखा यार तेरे को, चल शॉन भाग के दिखा, रहने दे भाई, पबजी खेलते हैं यहाँ पे, वैसे मजा आएगा। हाँ उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं, पहाड़ पे नहीं चढ़ना क्या, अबे पत्थर की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं मैं क्या करूँगा चढ़ के, मेरे को तो पैसा भी नहीं मिल रहा, पैसे भी नहीं मिल रहे मुझे यहाँ पे, मेरे को कह रहा है अपना इंट्रो दे हूँ कंपनी का, मैं तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दूँ, माय नेम इज लव मारवा, करंटली एसोसिएट एनालिस्ट एट EY GDS, तनख्वाह मैं नहीं बताऊँगा अभी, अगर यहाँ से कुछ हो गया आपकी बदौलत तो देखी जाएगी। हमें यहाँ पे पानी के नाम पे, नदी के नाम पे बस यही मिला, मैनेजर देख रहा तो कोई ऑफर हो तो बताना भाई, नहीं नहीं ये सब काट देंगे हम। ये जरा थोड़ा पीछे से जो बैक वॉइस आ रही है, नॉइस आ रही है, थोड़ा कैंसिल कर देना ठीक है गाइस। तुम एक भेड़िया दिखाऊं, तेरा भेड़िया भाई बहुत घूर रहा है, घूर रहा है वो, घूर रहा है, भेड़िया बन के खा देगा मुझे। और भाई पुराने ओनर से मिल गए भाई, बहुत टाइम बाद आए हैं भाई, वाटरफॉल की आवाज आ रही है यहाँ पे, सिर्फ वाटरफॉल दिख नहीं रही, संजय बनाएगा देखो गाइस। अब ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है, ट्रैक तो क्या हल्की बहुत चढ़ाई है, कुतुब मीनार दिखाएंगे तुम्हें एक जगह से, अगर वहाँ जाने लायक हुआ तो, लास्ट टाइम भी नहीं जा पाए थे, इस बार पूरी कोशिश है कि जाएंगे। अरे शूज पहन के नहीं आए थे इसलिए नहीं गए थे, गाइस ये देखो ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया, बट ध्यान रखना जब आप लोग यहाँ हो गए यहाँ पे कैमरा मत लाना, एक टाइम पहले अलाउड होता था, लोगों के इवेंट भी हुए मैंने सुना था, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे कैमरा मत लाना, नहीं तो आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, गार्ड रोक देता है। और यहाँ से हमारा ट्रैक चालू होता है, ये हमारे आगे हमारे शॉन भाई जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको बुलाते हैं बस अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं। ये देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे नाचते हुए, एकदम कमर मटकती हुई, और ये हम चार यहाँ पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं तो दिख ही रहूँगा, ये तो दिख रहे हैं, नहीं दिख रही है, पीछे आ ही रहे हैं, हाय बोल दो गाइस, ऐसे बोलेगा तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखो यार गाइस, ये देखो आप, हमें वहीं जाना है, मेरे को लगा नहीं जाना तो मैं जूम करके दिखा रहा था, चलो गाइस वहां आगे चलते हैं, थोड़ी मार ले ओए भाई, ये रही वाइल्ड देख के आइए। और गौरव मेरे को सही कह रहा था कि जीन्स में दिक्कत होती है, सांस मेरी फूलने लग गई है, मेरे बस की नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं घर चला जाऊं, क्योंकि रात को सिर्फ 3 घंटे ही सोया था मैं, और मुझे नींद बहुत प्यारी, और मेरे को नहीं पता मैं सही में क्यों आया हूं, बट चलो देखते हैं क्या होता है।
ये शॉन भाई साहब थोड़ा ब्लॉक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जूम आउट कर देते हैं। ये मुझे नहीं पता किसकी आवाज़ है, लड़कियों की है या मोर की है, मोर है या मोरनी है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्यू देखो गाइस, व्यू ऊपर से दिखाते हैं, यहाँ का नीचे का भी देख लो, ऊपर भी जा रहे हैं धीरे धीरे, बच गया मैं गिरते गिरते। भाई ट्रैक देख रहे हो तुम कितना मुश्किल है, जिंदगी का पहला ट्रैक तो नहीं है मेरा ये, मैं मनाली गया था तो करा था एक बार, वो बड़ा फन था, वहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी किसी से, मेरे एक दोस्त को चैटा पड़ा था बहुत तगड़ा, नया नया फ़ोन था उसकी वहीं पे, बट देखो ये, देखो ये शायद यही ट्रैक खत्म हो गया, मैं ऊपर आ गया यार, ये देखो ये कैसे आ रहे मोटे थुलथुले ऊपर। बॉडी शेमिंग के लिए मत मानना क्योंकि अपने इनको बोल सकता हूँ मैं, किसी बाहर वाले को नहीं बोलता। गाइस ये वाला व्यू देखो एक बार, एकदम आराम से दिखाऊंगा, गौरव एक स्लो सा गाना डाल के इसकी मार, बट कोई बात नहीं, बोर हो गए, मैं बोलूँगा इसे अच्छा गाना डाले ताकि व्यूज आ जाए, कोशिश पूरी है। ये देखो ये क्या कह रहा है, चलो कैच कराए तेरे को, चलो भाई देखो गाइस हम पानी, इतना सारा पानी लाए हैं, गौरव नहाएगा यहाँ पे अभी ब्लॉक के अंदर। गौरव भाई का व्यू नहीं, ऊपर का व्यू देखो तुम, गौरव भाई उतरो, आप उतरो, अबे रुक जाओ बैग पकड़ लो, ये ले जाएगा ना, जब जाएंगे जा जा जा, इसको दे दे बैग, ये पकड़ नहीं, आज मैं थोड़ी कम फुटेज खाऊंगा, मुझे लास्ट व्लॉग में बोला गया कि भाई कितना बोलता है तू, अगर मैं तो बोलूँगा क्योंकि लास्ट टाइम कोई बोल नहीं रहा था, है ना यार। हाँ यार, और अभी भी ना बोलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, सांस बहुत फूल रही है, बहुत मुश्किल ट्रैक है यार ये। भाई इतना मुश्किल नहीं है, इसकी ज़्यादा सांस फूलती है वैसे, और कुछ नहीं। भाई तुम्हें यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाऊँ, दिल्ली की बटरफ्लाई इतनी दिखती है यहाँ पर। एक और व्यू पॉइंट पे आ गए हम पहाड़ों से चढ़ चढ़ के, यहाँ से भी देखो गाइस सेम ही व्यू है, एक सेकंड भाई देखो वो रहा, दिखा अंधा है क्या, चांद भी देख लो भाई दिन में लो, चला के लेके जा रहा है गौरव भाई, सब जगह से सेम व्यू तो है, कुतुब मीनार को नीचे से दिखा देता हूँ भाई। भाई मैंने सही में उस सेंस में नहीं बोला भाई ये सब, भाई थोड़ा ऊपर करके इतना ऊपर ले आया है, तब भी सही नहीं व्यू है, पता नहीं क्यों जा रहे हैं ऊपर, है ना लव, अगर व्यू अच्छा नहीं होगा बहुत मारूंगा। गौरव को गौरव लाया भाई यहाँ पे तो, अरे भाई साहब यहाँ कीड़े हैं भाई, ट्राई करना भाई फुल स्लीव पहन के आओ, फुल स्लीव नहीं तो भाई एटलीस्ट वो जो बाइक चलाते हो ब्लैक स्लीव पहनते हैं वो पहनाना, और प्लीज शॉर्ट में पहन के आना, यहाँ पे वो भी अलाउड नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे कांटे वाटे लग सकते हो तुम्हारे, इसलिए कह रहा हूँ। बताओ भाई यहाँ का व्यू बताओ ना कैसा है, पहुँच तो गए कहीं तो, बसंती का नाच हुआ था, बसंती का नाच हुआ था गाइस, ऐसी ऐसी बसंती को ना बांध के रखा था, और ये गौरव की बसंती है, देखो इस व्यू के लिए आए थे, इतना सा कुतुब मीनार दिख रहा है तुम्हें, और आगे जा रहे भाई, भाई मैंने कुछ नहीं बोला ये, और आगे कार्तिक तेरी फैंटेसीज अलग है भाई, ये फिर और आगे लेके जा रहे हैं गाइस, इग्नोर कर दो पीछे वाले को, एक तो बसंती है ऊपर से बोल रही है। सोन भाई यहाँ का क्या अलग व्यू है ऐसा, हर्जा भाई एक तो व्यू दिखा रहा हूँ ऊपर से बीच में तू आ रहा है, धक्का दे देंगे, धक्का ही दे दो भाई ज्यादा बैठे रहा,
भाई ऐसे पैर खोल के मतलब बहुत अजीब लग रहा बैठेगा गोदी में भाई गोदी तो बना बसंती हमारे पास एक बिठाएगा कहाँ है भाई यहाँ पे आओ ना तो भाई पानी जरूर लेके आना क्योंकि बहुत प्यास लग रही है और व्यू हर जगह से सेम ही है बस तुम थोड़ा और ऊपर आगे चल के आओगे तो कुतुब मीनार सा दिखेगा क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हर दिल्ली के बंदे ने देखा हुआ है ऐसा कुछ अलग नहीं है भाई अनुष ऐसे पत्थर से लेके आते कुतुब मीनार का व्यू भाई मती बोलते से तो पत्थर फेंक दो जान से फेंक बताओ कितनी दूर जाएगा भाई फेंक भाई तेरा पत्थर दिखना भी नहीं इसमें तू खड़ा थोड़ी ना वहाँ पे भाई लोग चलते हैं नीचे झटका और लग गया अच्छा हाँ यहाँ तो लोग होते हैं लगी किसी के क्यों देखो भाई हाँ का गरम है क्या हो गया भाई क्या बैठ गया यार काट दियो भाई हर बार कट लग रहे हैं ना समझ लेना क्यों लग रहे हैं भाई किस पे एडिट करता है तू कौन सी ऐप पे एडिट करता है गौरव वहां जाके खड़ा हुई एक बार निशाना बसंती थी वहां पे तुमने मारा नहीं सो फाइनली ये जो ट्रैक का एंड है हम यहां पे आ चुके हैं और कुतुब मीनार बस ये रहा पिछली बार लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग करा था तब यहां तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि बीच में सांप वगैरह दिख गए थे लेकिन इस बार पूरे एंड तक आए हैं भाई वापस क्यों जा रहे हो गर्म है गाइस ये लोग तो बिना कुछ बोले निकल गए सीधा तो चलो भाई वापस चलते हैं फिर इनसे आगे बात करूंगा यहाँ के बारे में अभी तो ये थोड़ा आगे मुश्किल ट्रैक है सेफली पहले उतर जाएं फिर बात करता हूँ सबसे बसंती जैसे जबरदस्ती किसने की गाइस देखो ये वही एरिया जहाँ पे धर्मेंद्र को बांधा था और बसंती कुत्तों के सामने नाची थी और ये रहे वो कुत्ते देखो कुत्ते देख लो कार्तिक तू क्या बसंती है धर्मेंद्र कैसी रही अनुष पागल बनती मैं भाई आपकी कैसी रही थकावट हो गई है काफी ज्यादा थकावट हो गई थकावट वाली जगह ही है फाइनली हम लोग नीचे उतर गए उस पैच से छोटा मोटा जो ट्रैक था वो और भाई सबसे पूछना चाहता हूँ भाई जगह कैसी थी भाई धूप हो तो मत आना सही में बहुत ही मिट्टी है भाई आना तो भाई जल्दी आओ क्योंकि भाई बहुत पसीना आ गया एक्चुअली कल ही काफ़ी बारिश हुई थी तो ह्यूमिडिटी बहुत थी और हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि हम इधर आ रहे हैं हमारे साथ भी थोड़ा अजीब होगा हम जहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी रहते लेकिन वो कावड़ यात्रा के चक्कर में बंद था तो हम इधर आ गए कि कुछ तो हम घूमें और सुबह आपके लिए रिकॉर्ड करें तो ह्यूमिडिटी इतनी है हालत बुरी हो गई ये ट्रैक करने में बाकी कमेंट सेक्शन में बताना जगह कैसी लगी भाई जगह तो ठीक ही है बस थोड़ा टाइम से आओ तो सही रहता है हाँ एक्चुअली यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमारे को 7:15 बज गए और तब तक धूप आ चुकी थी काफ़ी और ह्यूमिडिटी तो आप बता ही रहा हूँ आपको कितनी और आपको हमारी हालत देख के पता लग ही रहा होगा क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यहाँ पर और पानी वाटर जरूर कैरी करना वो तो हमने कैरी कर रखी थी तो हम थोड़ा पानी पी के चल रहे हैं नहीं तो बहुत ही वो आप फेंट भी हो सकते हो इतना बुरा हाल है यहाँ पे मेन एंट्री पे गार्ड रोक लेगा कैमरा वापस मना कर देगा कि अब ले जा नहीं सकते हो आप सारी जगह पेड़ आसपास तो ऐसे
बीच जंगल में चल रहे हो, इतनी गर्मी है यहाँ पे, बीच बीच में जहाँ पे छाँव है हल्की हवा चल जाना यहाँ पे, तो इतना बढ़िया मौसम होता है यहाँ पे। बट वैसे तो आपको पैर दिखाता हूँ, जो वॉकिंग का जो रास्ता है वो दिखाता हूँ अभी आपको। चलो भाई एग्जिट गेट तो आ गया, अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते को दिखाने के लिए मिलता तो दिखाएंगे। बाकी मॉनसून टाइम में गलती से भी मत आना, ह्यूमिडिटी में मर जाओगे। पानी पियो पानी। तेज चल लिया करो, तेज चला करो यार, तेज चला करो। इस वीडियो को भी अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी गलती अच्छी लगी हो या कुछ भी, कोई पार्ट अच्छा लगा हो या कोई गलती मिली हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। आई नो थोड़ा ही अजीब सा ही ब्लॉग हो गया क्योंकि पहले हम कहीं और जा रहे थे और हमारे लिए भी थोड़ा सा अजीब सा सीन हो गया क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था और हमने करा कुछ और, तो इसलिए आपको जो भी फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन में कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।